इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड काफी सुर्खियों में है और ऐसे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा से एक दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा का डाटा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये डाटा सार्वजनिक होते ही सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला है ये भी डाटा से खुलासा हुआ है। चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक के हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि पाकिस्तान की हब पावर कंपनी लिमिटेड ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया। सवाल ये है कि क्या भारतीय राजनीति में पाकिस्तानी कंपनियों ने भी फंडिंग की है, तो चलिए आपको मामला विस्तार से समझाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से गुरुवार यानी 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक करने के बाद दावा किया गया कि पाकिस्तान के एक कंपनी ने भी राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। इस पाकिस्तानी कंपनी का नाम हब पावर लिमिटेड बताया गया। कहा गया कि हब पावर कंपनी ने 95 लाख रुपए का राजनीतिक चंदा दिया। ये चंदा 18 अप्रैल 2019 को दिया गया जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। यही वजह रही कि जैसे ही राजनीतिक चंदे और पाकिस्तानी कंपनी के कनेक्शन की बात हुई वैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि क्या पाकिस्तान ने चुनावी फंडिंग की है। हालांकि जब इसकी पड़ताल की गई तो इसमें ये साफ हो गया कि फंडिंग करने वाली कंपनी पाकिस्तानी नहीं है बल्कि भारतीय है। जी हाँ, फैक्ट चेक में ये मालूम हुआ कि जिस हब पावर ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की कंपनी है। हब पावर कंपनी पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रजिस्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी की जानकारी जीएसटी के पोर्टल पर भी मौजूद है। ये कंपनी नवंबर 2018 को पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुई थी। बता दें कि चुनाव आयोग के जरिए अपलोड किए गए डाटा को देखने से मालूम होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पिरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एजलवाइज, पीवीआर, केवेंटर, सुलावाइन, वेल्सपन और सन फार्मा जैसी कंपनियां शामिल हैं। बीजेपी, कांग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NSP, तृणमूल कांग्रेस, JDU, RJD, आप और समाजवादी पार्टी ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया है। बता दें कि फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सबसे ज्यादा कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं।